नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ ड्रामेटिक मोनोलॉग, और ड्रामेटिक मोनोलॉग में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन आपके है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब यहां मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं विद्यार्थियों, व्हाट डज इट मीन ड्रामेटिक देन मोनोलॉग। ड्रामा से बना ड्रामेटिक, इट मीन्स नाटकीय। ड्रामा मीन्स नाटक, उससे बना ड्रामेटिक, इसका मतलब है नाटकीय। एंड देन मोनोलॉग वर्ड को आप अच्छे से क्लियर करें, मोनो देन लॉग। मोनो मीन्स होता है सिंगल, और लॉग मीन्स होता है स्पीच, मीन्स कथन। तो नाटकीय कथन, ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स नाटकीय कथन। यहां आप मोनोलॉग वर्ड को अच्छे से क्लियर कर लें, मोनो मीन्स सिंगल, देन लॉग मीन्स स्पीच, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कथन। तो नाटकीय कथन को हम कहेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखते हैं इसकी डेफिनेशन, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, स्पीच बाय वन पर्सन। स्पीच बाय वन पर्सन इज नोन एज ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो विद्यार्थियों यहां पर अच्छे से क्लियर कर लें, ड्रामेटिक मोनोलॉग में बहुत बड़ी डेफिनेशन में आपको पजल होने की आवश्यकता नहीं है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का जैसे ही आपका क्वेश्चन पुटअप हो तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स स्पीच बाई वन पर्सन। यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा कोई स्पीच दिया गया, दैट इज नोन एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब इसमें कौन 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 सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखते हैं इसमें फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स। यहाँ देखते हैं आपके फर्स्ट वन, द एंटायर पोइम इज एक्सप्रेस्ड बाई ए सिंगल पर्सन, यानी पूरी की पूरी जो कविता है वो एक्सप्रेस की जाती है एक ही व्यक्ति के द्वारा। यदि एंटायर पोइम को एक ही व्यक्ति एक्सप्रेस कर रहा है तो इट इज नोन एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसमें एक और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, बट नॉट द पोइट हिमसेल्फ। यहां जो सिंगल पर्सन होगा वो पोइट हिमसेल्फ नहीं होगा, पोइट जो है वो स्वयं इसको एक्सप्रेस नहीं करेगा, बल्कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पोइट जो है वो क्या करेगा, द पोइट इन्वेंट्स ए कैरेक्टर, मीन्स द पोइट इन्वेंट्स ए कैरेक्टर टू रिप्रेजेंट और टू एक्सप्रेस द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है इसमें पोइट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सिंगल पर्सन को इन्वेंट करेगा, सिंगल कैरेक्टर को इन्वेंट करेगा, और वो सिंगल कैरेक्टर जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक्सप्रेशन देगा पोइट की थॉट्स और फीलिंग्स को। तो ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लें, फिर एक बार रिपीट कर लें फटाफट से, द एंटायर पोइम इज एक्सप्रेस्ड बाई ए सिंगल पर्सन, मीन्स यहाँ एक्सप्रेशन जो है वो सिंगल पर्सन के माध्यम से ही होने वाला है, और वो सिंगल पर्सन पोइट खुद नहीं होगा, ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें। और नेक्स्ट वन है इसमें, द पोइट इन्वेंट्स ए कैरेक्टर, यहां पोइट जो है वो एक कैरेक्टर के थ्रू अपने फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। मूव करते हैं सेकंड वन पे, ए साइलेंट लिसनर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पोइम, और वो साइलेंट लिसनर जो है वो स्पीकर के एक्सप्रेशन या उसकी जो भी बातें हैं उनको लिसन करेगा, उनको सुनेगा, बट वो लिसनर होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषता ये होगी कि वो साइलेंट होगा। और हमें ये बात कैसे कैसे पता चलेगी कि यहाँ साइलेंट लिसनर है, देखते हैं थर्ड वन को, हिज प्रेजेंस इज सजेस्टेड बाई क्यूज। अब यहाँ अच्छे से देख लें कि साइलेंट लिसनर की प्रेजेंस का हमें पता चलेगा क्यूज और जेस्चर्स के माध्यम से। यहाँ दोनों वर्ड मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्रेस कर दिए हैं, अगर जेस्चर आए तो आपका बिल्कुल क्लियर है, कॉमन वर्ड है, और क्यूज, क्यूज इज ऑल्सो नोन एज जेस्चर्स। स्पीकर के जेस्चर्स के माध्यम से हमें पता चलेगा कि इस पोइम में कोई ना कोई साइलेंट लिसनर है जो कि स्पीकर को सुन रहा है। यहाँ तीनों बातें बिल्कुल क्लियर है। सेकंड वन देख लें, ए साइलेंट लिसनर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पोइम। यहाँ हम आप एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, यदि बात की जाए सोलिलक्वी की तो सोलिलक्वी में साइलेंट लिसनर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में साइलेंट लिसनर भी प्रेजेंट होता है। ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें, आपका सोलिलक्वी और ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये भी डिफरेंस है, आपके साइलेंट लिसनर जो है वो सोलिलक्वी में प्रेजेंट नहीं होगा। थर्ड वन आपका, हिज प्रेजेंस इज सजेस्टेड बाय क्यूज और जेस्चर्स ऑफ द स्पीकर। फोर्थ वन है इसमें, द पोइम रिवेल्स द कैरेक्टर ऑफ समवन, माने इस पोइम में पोइट जो है आपका पोइट जो है वो रिवेल करता है, अभिव्यक्त करता है, बताता है, एक्सप्रेस करता है किसको, द कैरेक्टर ऑफ समवन, माने किसी एक व्यक्ति के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, उसको रिवेल्स करता है। पोइट जो है वो इस पोइम में किसी न किसी पर्सन के कैरेक्टर को रिवेल करता है। फॉर फिफ्थ वन है आपके,
द मास्टर पीस ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको भी बिल्कुल लर्न कर लें, याद कर लें। वन ऑफ द मास्टर पीस ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एंड्रिया डेल सार्टो। द क्रिएटर ऑफ दिस वर्क इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। मास्टर पीस आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का एंड्रिया डेल सार्टो, और जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा क्रिएट किया गया है, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी इसको दे रखा है। नेक्स्ट वन आपका एज ऑफ दिस पोइम। यदि पूछा जाए ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो कौन से एज का क्रिएशन है, तो आपका आंसर होने वाला है विक्टोरियन एज। मीन्स आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में आपका एंड्रिया डेल सार्टो जो पोइम है वो विक्टोरियन एज की क्रिएशन है। ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें। नेक्स्ट वन आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। यदि बात की जाए हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, देन यू विल योर आंसर विल बी रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज माई लास्ट टच इज द ग्रामेरियंस फनल पोर्फीरियाज लवर रेबी वैन इजरा। ये कुछ ऐसी क्रिएशंस है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के वन ऑफ द मोस्ट एंड फेवरेट्स एग्जाम्पल हैं। तो इनका भी आप अच्छे से टाइटल देख लें, द लास्ट टचेस, द ग्रामेरियंस फनल, पोर्फीरियाज लवर, रेबी वैन इजरा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो विद्यार्थियों वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, एक एक पॉइंट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको आधे घंटे की, एक घंटे की क्लास एक ही टॉपिक पर भी बता सकता हूँ, बट हमारा ये टारगेट है कि जितना भी टाइमिंग है हमारे पास, उस टाइमिंग में बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप लोगों के लिए मैं सीरीज लेकर आऊँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपसे चर्चा करूँ, ताकि आपका समय भी, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और साथ में हमारा कोर्स भी जल्दी से जल्दी हो जाए। अब आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।